हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त अनीता प्रसाद और आज मैं आपको धनिया और पुदीने की चटनी बनाना सिखाती हूं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग कि इसे बनाने के लिए मैंने क्या क्या सामान लिया है और कैसे मैंने बनाया है। धनिया पत्ता और पुदीने की चटनी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले धनिया पत्ता, पुदीना, लेमन, ग्रीन चिली और जिंजर है और थोड़े से ज़्यादा मैंने गार्लिक लिया है। और इसमें डालने के लिए प्लेन सॉल्ट है, काला नमक है और आप चम्मच के आसपास हम लोग शुगर भी ले लेंगे। धनिया पत्ता और पुदीना की चटनी को बनाने के लिए मैंने ये तीन चार सामान लिया है। पुदीना है, धनिया है, ग्रीन चिली, जिंजर और गार्लिक। तो आइए अब हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले मिक्सी में पुदीना, धनिया, ये सारे चीज हम लोग, ये गार्लिक है, जिंजर है और एक ग्रीन चिली, इन सबको भी तोड़ लेंगे। और इसमें थोड़ी सी प्लेन सॉल्ट डालेंगे हम लोग। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालें, मैंने थोड़ा कम ही डाला है, फिर घटेगा तो दोबारा डाल लिया जाएगा क्योंकि ज़्यादा हो जाने के बाद टेस्ट खराब हो सकता है। ये 1 पिंच के आसपास काला नमक मैंने डाला है, 1/2 चम्मच शुगर मैंने डाला है। तो आइए इसे अब मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। इन सबको ग्राइंड करने से पहले मैं इसमें लेमन डाल दूंगी। अभी मैं 1/2 ही लेमन डाल रही हूँ। अगर आपको खट्टा कम लगेगा तो आप अपने हिसाब से फिर इसमें लेमन और ऐड कर सकते हैं। तो आइए इसे महीन पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है, अब इसे हम लोग पॉट में निकाल लेते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान था इस धनिया और पुदीने की चटनी को बनाना। आप भी इसे जरूर से घर पे ट्राई करें और आपको ये मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।